हेलो एवरीवन, आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पाइसी इमली की चटनी लेकर, चटपटी सी, जो कि हम किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, चाहे वो मोमोज हो, स्प्रिंग रोल हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। यहाँ पर सबसे पहले जो है मैंने इमली ली है। इमली को जो है मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख लिया था। अब जो है इसे छन्नी की मदद से जो है मैं अच्छे से छान लूँगी इमली के पानी को, ताकि इसमें कोई भी कंकर ना हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो प्याज लिया है बारीक कटा हुआ। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चटनी का। और 1/2 चम्मच जो है मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, ताकि हमारी चटनी जो है वो तीखी तीखी बने। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने लिया है बारीक कटा हुआ अदरक, और 1 चम्मच जो है मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। उसके बाद 1 चम्मच जो है मैंने पाउडर शुगर ली है, इससे जो है हमारी चटनी बहुत मीठी मीठी सी बनेगी। यहाँ पर 1/2 चम्मच काला नमक लिया है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने नॉर्मल यानी हमारा सफ़ेद नमक लिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 1/2 चम्मच यहाँ पर जो है मैंने जीरा पाउडर लिया है। बस सिर्फ इतना ही डलेगा चटनी में और आपकी चटनी जो है वो बन जाएगी बिल्कुल स्ट्रीट वाली चटनी। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीजिए, हमारी जो इमली की चटपटी चटनी है वो तैयार हो गई है। तो आप भी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये चटनी कैसे लगी। थैंक यू।